कोरोना केसेस मस्बत आने की शरह 2% से बढ़ गई। 51,145 कोरोना टेस्ट में मस्बत केसेस की शरह 2.52% हो गई। वायरस से 24 घंटे में 6 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात 28,961 हो गई। कोरोना के मजीद 1,293 नए केसेस रिपोर्ट। कराची में रात भर वक्फे से बादल बरसते रहे। ठंडी हवाएं चलती रहीं। सुबह चमचमाती धूप निकल आई। सक्कर, खैरपुर, शिकारपुर, लाड़काना, दादू में बारिश ने सर्दी बढ़ा दी। फीडर स्ट्रिप होने से कई अजला को बिजली की फराहमी मुअत्तल। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें और पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर और इस्लामाबाद में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर में जिला बाग, हवेली, पूंछ और सिरनौती में हल्की बारिश। मकरा पहाड़, पीरचनासी, सिरीकोट के पहाड़ों पर बर्फबारी। मरकजी शाहराहें बंद। सियाहती मकाम रेशा दाऊखन में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बालाई इलाकों में बिजली और मवासलात का निज़ाम भी दरहम बरहम। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में तूफानी बारिशें और बर्फबारी। कोटा, चमन शाहरा और कोटा जोब शाहरा बंद। कोशाब, कोशकटाप और ज़ियारत में भी दोबारा बर्फबारी शुरू। बलूचिस्तान के शिमाली और मकबी इलाकों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। केच पिसनी में एमरजेंसी नाफिज। बलूचिस्तान हुकूमत और पाक फौज का मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फजाई 8130 तैयारा गवादर में इमदादी सामान लेकर पहुँच गया। पंजाब के बालाई और मैदानी इलाकों में धुंध, हद निगाह नहायत कम रह जाने से मोटरवे M2 को लाहौर से शेखपुरा तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 को फैजपुर लाहौर से समुद्री तक, मोटरवे M4 को अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक और मोटरवे M11 को लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस ने सफरी हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार का जल्द अज़ जल्द निकासी आप का हुक्म। कहा, नशीबी इलाकों में निकासी आप के लिए फौरी इकदाम किए जाएँ। बयान में कहा, इंतजामिया आवासा हुकाम निकासी आप के काम को कम से कम वक्त में यकीनी बनाए। ट्रैफिक रमादवा रखने के लिए भी मौसर इकदाम किए जाएँ। पंजाब के स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात खत्म। आज से सूबे भर में स्कूल खुल गए। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने ट्वीट किया, तमाम स्कूल हुकूमत की जानिब से जारी करदा कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। पंजाब के स्कूलों में 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात दी गई थी। अपोजिशन ने चेयरमैन ऐप के लिए हुकूमत को 4 नाम भिजवा दिए। JUIFA के रहनुमा कामरान मुर्तजा की News 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम में TM में गुफ्तगू। कामरान मुर्तजा का कहना था, नून लीग ने नासिर कोसा, JUI ने जस्टिस दोस्त मोहम्मद के नाम भिजवाए। पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 नाम साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बासी जीलानी और सलमान बशीर के नाम भिजवाए गए। नए बलदियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असेंबली के बाहर धरना 8वें रोज में दाखिल। हाफिज नईम रहमान का आज से सिंध भर में एहतजाज शुरू करने का ऐलान। कहते हैं, कराची के आवाम को ट्रांसपोर्ट और तालीम से महरूम कर दिया गया है, हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे।